तो दोस्तों, आप सभी को प्रणाम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोनिका सुंदरियाल में, और आपके साथ बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आलू शिमला मिर्च, जिसके लिए दो बड़े बॉयल आलू रखे हैं, और शिमला मिर्च है, अदरक है, हरी मिर्च है, बिना लहसुन प्याज के बनेगा खाना, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं। बस यहाँ पे क्या करना है, आपको अच्छे से काट लेना है शिमला मिर्च को इतने बड़े बड़े पीसेस में, और सरसों के तेल में, जैसे सरसों का तेल ज़्यादा बिल्कुल वैसा गर्म नहीं करना है, धुएँदार बिल्कुल ऐसा गर्म करना है कि उसका सरसों में जो स्मेल होती है कच्चेपन की वो हट जाए। उसके बाद आपको इसमें शिमला मिर्च डालनी है, और आपको इसको फिर फुल फ्लेम में आपको इसको फ्राई करना है, जब तक कि शिमला मिर्च का कलर चेंज ना हो जाए। जब ऊपर से इसमें थोड़ा वाइट वाइट सा होने लगे तो आपको शिमला मिर्च को हटा देना है। और इस तरीके से आप शिमला मिर्च बनाएंगे तो आप खुद देखिएगा कि आपकी सब्ज़ी कितनी स्वादिष्ट बनती है। ये देखिए होने लगा है ना, शिमला मिर्च हमारा फ्राई हो चुका है। इससे ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि फिर ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा अगर आप ज़्यादा भून लेंगे ना, क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो जाती है बहुत जल्दी, फिर वैसा टेस्ट ही आएगा जैसा हमें चाहिए। और यहीं पर हम बॉयल आलू को भी उसी तेल में फ्राई कर लेंगे। और आलू और शिमला मिर्च को फ्राई करने से क्या होता है, इनका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है और सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट लगती है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। एक बार जरूर उस तरीके से बनाएंगे। देखिए आलू भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बस इसको हम निकाल लेंगे। एक बार इस तरीके से आप बना के देखिएगा, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रेसिपी को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और यहीं पे देखिए हमारे शिमला मिर्च और आलू दोनों फ्राई हो चुके हैं, हमने एक प्लेट में निकाल लिया इनको। और यहीं पे हम इनके लिए एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए दो टमाटर हैं, एक हरी मिर्च है, अदरक है। इनको हम अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए पेस्ट तैयार है, और उसी कढ़ाई में कुछ नहीं करना है, तेल कम कर देना है, क्योंकि फ्राई हो चुकी है हमारी सब्ज़ी तो ज़्यादा तेल नहीं रखना है। उसी कढ़ाई में हमने अपना जो मसाला हमने पीसा था ग्रेवी के लिए, वो हम यहाँ पर डाल देंगे, और बस भून लेंगे इसको मीडियम फ्लेम में। अपने मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आए। और ये देखिए मैंने जो आलू फ्राई किए थे इसी कढ़ाई में, उसका नीचे जो लगा था वो हटाया नहीं, क्योंकि वो जो ये ग्रेवी है या जो मसाला है हमारा, ये उसके साथ उसका जो क्रंचीनेस रहता है वो बहुत टेस्टी और बहुत डिलीशियस लगता है, इसलिए मैंने इस कढ़ाई को इसी कढ़ाई में बनाया, चेंज नहीं किया। और यहीं पे टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने मसाले डाल देंगे, नमक, हल्दी, धनिया, एक चुटकी गर्म मसाला और थोड़ा सा गुनगुना पानी मसाले को अच्छे से पकाने के लिए। और हम इसको थोड़ी देर ढक के पकाएंगे ताकि हमारा मसाला जो है बहुत अच्छे से पक जाए, बिल्कुल ड्राई हो जाए। और सब्जी देखिएगा कितनी लाजवाब बनेगी, और 10 मिनट बाद मैंने ये देखा है तो हमारी बिल्कुल जैसे मसाला मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसे ही बनके तैयार है, बिल्कुल पक चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। और यहीं पे हम अपने आलू शिमला मिर्च दोनों को डाल देंगे इस तरीके से, मसाले के साथ इनको पलट पलट लेंगे। एक बार आप इस तरीके से बनाएगा, फिर आप इसको चाहे पूरी हो, रोटी हो, पराठे हो, या दाल चावल के साथ खाएगा, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक बार ज़रूर बनाइएगा, बिना लहसुन प्याज के है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है खाना। और 5 मिनट बाद ढकने के बाद मैंने देखा, क्योंकि 5 मिनट फिर ढक के पकाया है मैंने, कि बहुत अच्छे से हमारा पक जाए। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार है। ये देखिए कलर देखिए इसका, ना ज़्यादा बिल्कुल गल गई है शिमला मिर्च, ऐसा नहीं करा है हमने। और ये देखिए इतनी खिली खिली हमारी सब्ज़ी बनी है, यहीं से हमने इनको गार्निश कर लिया हरे धनिए के साथ। यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थी, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही बेसिक मसालों के साथ बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी बन के तैयार हुई थी आलू शिमला मिर्च। एक बार ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर रेसिपी को शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको एक नई रेसिपी में, तब तक अपना ध्यान रखिए और रेसिपी को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। तो बाय, टेक केयर।